ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड, मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने टाटानगर जीआरपी में पद स्थापित एएसआई भरत शुक्ला को 20,000 रूपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसएसबी की टीम ने भरत शुक्ला को बिष्टुपुर स्थित छप्पन भोग की दुकान के समीप से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसीबी डीएसपी अरविंद सिंह ने बताया कि इनके द्वारा एक स्क्रैप कारोबारी जिनका नाम श्रवण कुमार बताया जा रहा है, उसे टाल चलाने एवज में 40,000 रूपए की मांग की गई थी, जिसकी सूचना श्रवण कुमार ने एसीबी को दी। गिरफ्तारी बिष्टुपुर छप्पन भोग की दुकान है, वहीं पर हुई थी। एक श्रवण कुमार है जो टाल संचालक है, जिनको भरत शुक्ला द्वारा में मांगा गया था टाल चलाने के लिए 40,000 की रकम। इन्होंने आज 20,000 रुपया घूस के रूप में उनको दिया। धावा दल के साथ दो नियमित दंडाधिकारी की उपस्थिति में उनके रंगे हाथ पकड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। कहाँ पर स्थापित? अभी वर्तमान में जीआरपी में, जीआरपी जमशेदपुर एएसआई। क्या मजदूरों के शहर लॉ नगरी जमशेदपुर में मजदूरों का हो रहा है शोषण? क्या मजदूरों की मशिया टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नशेरा वांजी टाटा के सपनों के शहर से मजदूरों के पलायन के लिए वाकई टाटा समूह जिम्मेदार है? ऐसे कई सवाल आज जमशेदपुर में मुंह बाए खड़ी है। ऐसे कई सवालों का जवाब टाटा समूह को देना होगा, क्योंकि आरोप बड़ा है। एक तरफ टाटा समूह 3 मार्च को अपने संस्थापक जमशेद जी नौशेरावांजी टाटा की 181वीं जयंती की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरा ओर साल 2000 से दिवालिया घोषित हो चुकी इनकैब यानी केबल कंपनी के करीब 2000 मजदूर और साल 2000 से बंद पड़ी टायो कंपनी के 400 मजदूर और उनके आश्रित सड़क पर आ गए हैं। मैं आज आपको टायो संघर्ष समिति और इनकैब वर्कर्स की तरफ से आपको संबोधित कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि 2000 में केबल कंपनी, जो आपको पता है, वो दिवालिया हो गई और 3.5 साल पहले टायो जैसी कंपनी को टाटा ने जानबूझ के दिवालिया करार कर दिया। भारत सरकार ने 27/10/2016 को टाटा को कहा कि आप कंपनी बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कंपनी बंद कर दी। न केवल बंद कर दी, 3.5 साल से उन्होंने वर्कर्स को वेतन नहीं दिया है, जबकि खुद अपने अकाउंट में टायो से 7 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट अकाउंट में लेके चले गए, जो कि सीधी सीधी बेईमानी थी। अब सरकार कह रही है कि आप कंपनी चलाओ, टाटा कंपनी अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कर दे रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसका काम है? आप कह रहे हैं सर चलाओ, आपका इंटरेस्ट है, जमीन आपकी है, 350 एकड़ जमीन आपने कैंसिल नहीं किया, उसमें टायो का नाम नहीं डाला और टाटा आज उस 350 एकड़ जमीन पर दावा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ने झूठ बोला कि हम वहां पे 200 एकड़ जमीन पर बिजनेस कर रहे हैं। अगर 200 एकड़ जमीन पर टाटा स्टील अगर बिजनेस कर रही है तो फिर वो बिजनेस कैसे दिवालिया हो गई? टाटा स्टील दिवालिया हो गई है क्या? इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला, उसके बाद भी सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही है। सरकार का काम था उस कंपनी को वापस खुलवाना, सरकार का काम था कि वो 350 एकड़ लैंड कैंसिल करना, सरकार का काम था कि इनको 3.5 साल से जो इनको वेतन नहीं मिला है टाटा से जबरदस्ती पैसे लेके इनको वेतन देना और फिर उसको रिवाइव करना। टाटा नहीं करेगी, नहीं करेगी, टाटा नहीं करेगी, उसका सारा कैंसिल करिए और उस कंपनी को रिवाइव करने में मदद करिए। आज वर्कर्स खड़े हैं मदद करने के लिए, आप उसको मदद करिए। मतलब टाटा की ऑडेसिटी इतनी बढ़ गई है इस शहर में कि केबल जैसी कंपनी जो 2000 में दिवालिया हो गई, उसमें कह रहा है कि टाटा कह रही है कि 177 एकड़ जमीन जो है मेरी है। सरकार अगर ये चाहे तो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया कि सरकार अगर चाहे तो टायो और केबल दोनों कंपनियों का टेक ओवर कर सकती है या टेक ओवर करने में मदद कर सकती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी टाटा की जितनी बड़ी कंपनियां यहां दिख रही हैं, वो जुस्को हो, टीआरएफ हो, टाटा स्पॉन्ज हो, टाटा मोटर्स हो, ये सारी कंपनियां जाने वाली हैं इंसॉल्वेंसी में, आप लिख लीजिए। और आप एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर इनको साइरस मिस्त्री को अलग करने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपया देना पड़ा तो टाटा स्टील भी नहीं बचेगी। तो अगर ये सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जमशेदपुर कैसे बचेगा? जमशेदपुर को बचाने के लिए, यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है? ये जिम्मेदारी किसकी किसकी है? सरकार हम चुनते किस लिए हैं? इतना ही कहूँगा कि 2000 के बाद हमारे कंपनी के मजदूरों का जो दशा हो गया है, बेरोजगार हो गए, उनके पास रहने जीने खाने का कोई व्यवस्था नहीं, उनके बाल बच्चे आज ठेकेदारी में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। टाटा कंपनी को हम लोगों ने अप्रोच किया था कि आप हमारे कंपनी को रिवाइव कीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई पहल नहीं किया। संयोजक अजय कुमार शर्मा, वर्ष 2016
2016 से कंपनी को अघोषित रूप से टाटा टायो के प्रबंधन ने बंद कर दिया है और वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको टाटा स्टील ने अपने पेरोल पर रख लिया है। आज जो है वे टाटा स्टील के जितने ऑफिसर हैं मैंने टायो के जो ऑफिसर हैं वो टाटा स्टील के ऊपरी अधिकारियों को जो है टाटा बोर्ड को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। वे बिचौलियों की मध्यस्थता के रूप में जो काम करनी थी वो काम नहीं कर रहे हैं और वे हम लोगों को मैंने एकदम बिल्कुल गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं और अपना जो है वो रोजी रोटी सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, रोजी पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा करके अपना यहाँ पर घर लिए हुए हैं, कम से कम 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया पेमेंट ले रहे हैं, कार उनकी चल रही है, अपना ऐश मौज मस्ती। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Craft Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, near Ram Mandir, opposite Bandhan Bank, Bistapur, Jamshedpur. हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। जमशेदपुर में छायानगर की महिलाएं नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है, जहां अपराधियों द्वारा पिछले दिनों बस्ती में गोली मार कर महिलाओं को आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था, मगर बस्ती के लोग के द्वारा नशे का कारोबार कर रहे अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। यह नजारा छायानगर का है, जहां पुलिस को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि बस्ती में धड़ल्ले से नशे का कारोबार किया जाता है, जिस कारण बस्ती में रहने वाले पुरुष अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशा में डुबा रहे हैं, जिसे लेकर पिछले दिनों महिलाओं के द्वारा आरक्षक अधीक्षक नगर को ज्ञापन सौंप कर नशे का कारोबार कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसके बाद अपराधियों द्वारा बस्ती में गोलीबारी कर नशे के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया था। वहीं संबंध में लोगों के आक्रोश का सामना कर रहे सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि लोगों के द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाता है जो देखिए प्रशासन के ऊपर से भरोसा उतर चुका है, इसलिए जो प्रशासन को जब भी कोई खबर मिलती प्रशासन को क्या खबर नहीं मिलता है, प्रशासन के साथ में जो सिपाही लोगों रहता है जैसा आपका टाइगर मोबाइल है, ये लोगों जो है ना प्रशासन खुद उन लोगों के साथ में सिपाही लोगों सेटिंग गेटिंग में है, उन लोगों को खर्चा पानी मिल जाता है, थाना तक बात नहीं पहुँचता है। और जो भी हमारा बस्तीवासी हमारा महिला बहने कोई भी पुरुष भाई हो, इन लोग यदि कंप्लेन करना चाहता है तो ये लोग धमकी के ऊपर धमकी देता है। देखिए उस साइड जो ऊपर साइड है तारापुन कंपनी का उधर से एक तो गली है, वो गली में कभी छिनताई होता है, माँ बहन को तो चलना मुश्किल हो जाता है, पूरा कंपनी का रेड्डी क्या बोलता बेली बुधन का फैक्ट्री है एक तो उसका ईटा तक का चोरी कर लिया, कितना बार वो लोग ऊपर में हम कार्रवाई किए जो इस तरह मत करो, तो मेरे घर पे ऊपर में चढ़ाई कर दिया, वहाँ भी बहुत अड्डा होता है लेकिन प्रशासन एकदम ध्यान नहीं देता है। एसपी के पास भी जब गया तो बोलता कि अरे बोलता है ध्यान नहीं देता, ध्यान तो देता है लेकिन जब तक आज बस्ती वाला उठा नहीं तब तक प्रशासन भी आज आया नहीं। देखिए ये मेरे ही द्वारा परसों छापामारी किया गया था, हमको सूचना मिला था तो मेरे ही द्वारा ये सूचना मिला था, हम लोग छापामारी यहाँ किए थे। छापामारी पे जो असामाजिक तत्व हैं वो बस्ती में जाके हंगामा किए कि पुलिस का इन्फॉर्मेशन बस्ती वालों को दिया, उसी की वजह से यहाँ पे जो हंगामा किए थे उसी के विरोध में सब लोग कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपको क्या मिला आपको? नहीं अभी तो यहाँ पे सब लोग भीड़ लगाए थे, सबका डिमांड था कि थाना प्रभारी को बुलाए, अपनी बात को बताना है, वही इनकी बात को सुने कि यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाना है, यहाँ हमेशा छापामारी करना है, जो इस तरह से गांजा ब्राउन शुगर अगर कोई बेचते हैं तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय परसुडी स्थित आदिशक्ति गोलपाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां सरजू राय ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और माता को सोने चांदी गहने और साड़ी चढ़ाकर समाज और राज्य के कल्याण की कामना की। आपको बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव में सरजू राय की जीत को लेकर बर्मा माइंस निवासी और सरजू राय के समर्थक सीनू राव ने मां गोलपाड़ी से मन्नत मांगी थी कि जिसे आज विधायक सरजू राय ने माता के दरबार में हाजिरी लगाकर पूरा किया। इस दौरान सरजू राय के समर्थक और भक्त काफी उत्साहित नजर आए। जमशेद जी, नुशीरा वान जी, टाटा साहब की जयंती को लेकर जुगले पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया।
उधर संस्थापक दिवस को लेकर विद्युत सज्जा पार्क में देखते ही बन रहा है। वहीं विद्युत सज्जा के दौरान पार्क में 12 फीट का एक अजगर निकला। उधर अजगर के निकलते ही विद्युत सज्जा में लगे कर्मचारी, मजदूर और सैलानियों में भगदड़ मच गई। हालांकि सांप पकड़ने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया। उधर कड़ी मशक्कत के बाद 12 फीट के अजगर को काबू में किया गया। जमशेदपुर के कदमा स्थित उत्कल समाज के नए भवन का आज उद्घाटन उद्यमी एस के बैरक की पत्नी द्वारा किया गया। इस दौरान उड़िया समाज के कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए समाज के सदस्यों ने बताया कि वर्षों से समाज की ओर से यह जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसे आपसी चंदे से एक भव्य भवन बनाया गया, जहां सामाजिक कार्यों के साथ स्वास्थ्य शिविर आदि का भी आयोजन किया जाएगा। 1945 से यहां पर हमारे पुरखे रख कर गए थे एक जगह, जो हमारे उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी और उत्कल बांधव समिति का जगह था। उसमें हम लोग आपस में जितना मेंबर्स है सब अपना अपना कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके पैसा और बाहर से कुछ कुछ मदद लेकर ये बिल्डिंग समाज सेवा के लिए तैयार किया है। आज उसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मिसेस संगीता बेहरा हैं आरएसबी लिमिटेड से। बंगाली एसोसिएशन झारखंड ने रविवार को रणधीर वर्मा के चौक पर प्राकृतिक फूलों से होली खेलकर वसंत ऋतु का स्वागत किया। बंगाली एसोसिएशन झारखंड ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक पर प्राकृतिक फूलों से होली खेलकर वसंत ऋतु का स्वागत किया, जिसके बाद रणधीर वर्मा चौक से रैली निकालकर वसंत के संगीत के साथ नृत्य प्रस्तुत करते मानस मंदिर प्रस्थान किए। फूलों की बारिश बरसाते बरसाते दुर्गा मंदिर होकर मानस मंदिर तक गई थी। इसके बाद मानस मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर फूल से, आप इससे नहीं, हम लोग हर्बल होली खेलेंगे, इसी का मैसेज दे रहे सबको और बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। अभी यहाँ से रैली निकलेगा हम लोगों को, यहाँ तक मानस मंदिर तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम होगा वहाँ पर दोपहर तक। हर्बल होली के माध्यम से क्या मैसेज है? हर्बल होली इसीलिए बोल रहे हैं, ये में सब केमिकल रहता है अबीर में, और इसमें इसीलिए सबको मना कर रही है सब देने के लिए, खेलने के लिए प्राकृतिक होली खेलने के लिए सब। यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम लोग मानस मंदिर तक जाएंगे, जगजीवन नाथ मानस मंदिर। वहाँ पर क्या कार्यक्रम है? वहाँ पर हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नृत्य है, संगीत है, बच्चे लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले रविवार को लूबी सर्कुलर रोड दुर्गा मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर सोसाइटी के लोगों ने बताया कि रक्तदान शिविर के पीछे का उद्देश्य रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना है, साथ में ये भी बताने कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है। अभी कुछ दिनों से पीएमसीएच ब्लड बैंक में खून की कमी चल रही है, ये बीच बीच में कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे धनबाद के लोग अभी भी खून देने में उतना जागरूक नहीं हुए हैं, लोग अभी भी डरते हैं। तो आज हम लोग यहाँ एनसी रोड दुर्गा मंदिर में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, ताकि खून की कमी को दूर किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि खून देने से कोई तकलीफ नहीं होता, बल्कि हमारे जो खून देते हैं उससे हमें फायदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर का खून जो है ये 90 दिन में एक टूट जाता है, एक नया सेल बनता है,
तो अगर हम खून देंगे तो हमारे नया खून बनने की प्रक्रिया जो है ये और अच्छी तरह चलते रहेगी। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिनका वजन 45 किलो से ज्यादा है, जिनका उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है, वो साल में 4 बार खून दे सकते हैं। खून जो है किसी भी फैक्ट्री में या पेड़ में नहीं उगता, ये हमारे आपके शरीर में ही उगता है। तो जब तक हम खून नहीं देंगे तो खून की कमी कभी भी दूर नहीं हो सकती है। सुशीला फर्नीचर, राजनगर के विश्वसनीय फर्नीचर हाउस सुशीला फर्नीचर, 10 वर्षों से ग्राहकों के विश्वास पर खड़े उतरने वाला फर्नीचर हाउस सुशीला फर्नीचर, जहां उचित कीमत पर पलंग, सोफे, डाइनिंग टेबल, अलमारी, सिंगल टेबल, आलना आदि उपलब्ध है, तथा ग्राहक अपने मनचाहे डिजाइन के भी फर्नीचर बनवा सकते हैं। यहां कुशल कारीगरी द्वारा लकड़ी के फर्नीचर तैयार की जाती है। हमारा पता उड़ाव कॉम्प्लेक्स, राजनगर थाना के समीप, जिला सरायकेला खरसावा। हमारा फोन नंबर 8092349768 एवं 9110075791।